फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले जो प्लस टू की सी, मैं सोचा सी मैं दे अब्रॉड कितने निकल जाना था, अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, पर मैंने किसी ने एडवाइस दी वे पहले इधर कोई कोर्स या डिप्लोमा वगैरह कर लो, जिसे सानू अगे लाइफ से चलो कितने मतलब ऑफिस वगैरह काम मिल जाए। इतने मैं किसी फ्रेंड के रेफरेंस नाल इतने आया सी, तो मैं बहुत मैं पहले यही सोचा सीगा भी चलो थोड़ा टाइम ला के मैं जिदा लगा भी मैं फिर क्विट कर दूंगा, क्योंकि मैं मैं बाहर चले जाना तो मेरे रिलेटिव बाहर आता मैं क्विट करने की सोचता सीगा पहले आ गई 10-15 दिन लिए, पर मैं बाद चंगा लगा क्योंकि इतने फ्रेंडली नेचर आ सारे पहले कई मैं पहला भी इंस्टीट्यूट कई पढ़ चुका, कई इदा हों असी किसी तो एक बार या दो बार क्वेश्चन पूछते हाँ वो मोहरों एंग्री हो जाता, जो वो कहता तैन समझ नहीं आती, कुछ भी अगला करता जिस कि स्टूडेंट आ जो डर के वो पुछता ही नहीं, तो उन्होंने कोई भी क्लीयर नहीं हों गां जाके अपनी लाइफ च फेस करता, बहुत सारिया प्रॉब्लम्स फेस करता। सो मैं इस गल बहुत वधिया लगा क्योंकि इन्हों तो इस स्टाफ तो जिन्ना बारी मर्जी पूछ लो ये बहुत फ्रेंडली वे नाल पढ़ाते हैं, तो बच्चे आउट फील नहीं हों, तो अपने जोड़ा वह स्टडी एक्सपीरियंस हों तो बद के कुछ ना कुछ सीख ही जाता। दूसरी गल ये भी इतने आके जब मैं आके इतने क्लास लाता सी तो मैं पहला 15-20 मिनट देंदे सके वे तुम पहला देख लो वे दूसरा फिर स्टार्ट करते हैं, फिर वो सूँ टाइम मिल जाता भी असी कुछ ना कुछ अपना ग्रीजिंग कर सकते हैं, जो भी पहला साडा चीज़ रहिंदी है या कुछ भी सानू भुलदा असी चेते करके दोबारा दस सकते हैं, जिहड़ा कि अगे जाके सानू वो क्लीयर हो सके, तो ये बहुत चीज़ सानू सीखन नू मिलदी है, तो सानू सैल्फ लर्निंग का भी बहुत कुछ पता लगता, क्योंकि सैल्फ लर्निंग तो बगैर मैं समझदा भी बंदे नू कुछ भी गेन नहीं हो सकता, क्योंकि बंदे तो अपना सिक्योरेंस नहीं हुंदा, बंदा दूसरे डिपेंड ही रहिंदा सारी उम्र। तीसरी गल इन्हां नू अगली नहीं हुंदे तां ज़्यादातर ये जिदा मतलब थोड़ा भी काम कर लो तो टास्क देंगे, इसलिए मैम बहुत फ्रेंडली नेचर करके टास्क देंगे, जिसे सूद ये पता उदा तो सारे यही कह देंगे एक बार असी टास्क कर लिया बस सानू हो गया सानू सारा कुछ मतलब गेन हो गया, जो असी बाहर कितने काम करते हैं ज किसी ना कोई इंटरव्यू वगैरह जाने वो सर तो क्वेश्चन पुत्र सर तो वो आंसर पुट नहीं होंगे, क्योंकि सानू वो क्लीयरेंस नहीं होंगी, असी सिर्फ अपने मन चो कहने सूँ आता एक्चुअली सूँ आता नहीं होंगी, वो चीज़ असी बस अपने मन में सैटिस्फाई करने असं कह दें भी सूँ आती है। सो ये छोटे छोटे टास्क देंगे जिस दे बंद अपने आप में एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, दूसरी गल ये बंद पता लग जाता भी सर तो कि लैवल ऑफ नॉलेज आ जब कि सूँ नहीं आता जिन्ना असी दोबारा पूछ सके कि सूँ अगे तो क्लीयरेंस हो जाए, क्योंकि बंद जो एक बार जी चीज टॉपिक क्लीयर हो जाए मेरे हिसाब ना सारी उम्र नहीं भूलता जो सही तरीके बंदा प्रिपेयर कर ले। सो ये चीज़ा मैं बहुत वधिया लगियां क्योंकि इतना फ्रेंडली नेचर है, मतलब बंदा इतों बहुत कुछ गेन करता जिदे कि वो अपनी लाइफ सक्सैस कर सकता, तो मैं भी सोचता भी मेरी लाइफ सक्सैसफुल होगी। थैंक यू।